चुनाव नतीजों से सीएम नीतीश के समर्थक बेहद उत्साहित हैं। पटना में पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार के पोस्टर्स लग गए हैं। तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर ये पोस्टर्स लगे हैं, जिनमें लिखा गया है डबल इंजन की सरकार और दुगुनी रफ्तार। मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। बिहार की राजधानी पटना में ये पोस्टर्स लगे हैं, इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भले ही अकेले अपने दम पर बीजेपी जादू आंकड़ा 272 का ना छू पाई हो, लेकिन एनडीए बहुमत से 20 से 22 सीटें ऊपर गया है। 293 सीटें एनडीए के खाते में आई हैं और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है देश में। इसको लेकर नीतीश कुमार के समर्थक बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का भी प्रदर्शन बिहार में अच्छा रहा और यही वजह कि पटना में इस तरह के ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। तो तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर ये पोस्टर लगाए गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके समर्थक बेहद उत्साहित हैं। लेकिन खबरें लगातार चल रही हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन के हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम कयासों को किनारे करते हुए पटना में जेडीयू नेताओं की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक साथ दिखाया गया और इस पोस्टर में जिक्र इस बात का है कि डबल इंजन की सरकार इस बार दोगुनी रफ्तार से विकास करेगी और देश में तीसरी बार फिर से मोदी की सरकार बनेगी, जो ये बताने के लिए काफी है कि जेडीयू की रणनीति क्या है। पोस्ट का जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा ने। देखिए, देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने का मौका हासिल नहीं हुआ है, क्योंकि उसे बहुमत नहीं मिला है। लिहाजा गठबंधन की सरकार एक बार फिर से देश में बन रही है और गठबंधन की पूंछ एक बार फिर से बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के भी अपने अपने दावे हैं, लेकिन देखिए कि इन तमाम दावों से इतर पटना की सड़कों पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर पर देखिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर यहां पर लगाई गई है। सोना सिंह हैं, ये जेडीयू के नेता हैं और इनकी एक और पहचान है कि जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह हैं, उनके ये छोटे भाई हैं, तो उन्हीं की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। और देखिए कि इस पोस्टर पर नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बराबर की जगह दी गई है और दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है डबल इंजन सरकार, दोगुना रफ्तार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक की बधाई। तो यहाँ पर जेडीयू ने ये बड़ा सा पोस्टर लगाया है, जेडीयू के नेता हैं और उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है और पटना की तमाम जो सड़कें हैं वहाँ पर इस तरह के पोस्टर इस वक्त आपको देखने को मिल जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये पोस्टर ना सिर्फ ये दिखाने की कोशिश है कि अलायंस पूरी तरीके से एकजुट है, यानी जेडीयू और बीजेपी पूरी तरीके से एकजुट है, बल्कि ये संदेश है इंडी अलायंस के नेताओं को, जिनका दावा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से उनकी तरफ वापसी कर सकते हैं और ऐसे पोस्टर पटना की तमाम सड़कों पर लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि पोस्टर बताने के लिए काफ़ी, और पोस्टर ऐसे नहीं लगाए जाते हैं, जो भी पोस्टर लगते हैं पार्टी की सहमति से ही, बड़े नेताओं की सहमति के बाद ही पोस्टर लगाए जाते हैं और पोस्टरों का भी इन दिनों भारतीय राजनीति में काफ़ी अहम योगदान हो चुका है। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि जेडीयू ने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार में मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ी रहेगी। अब ये इंडी अलायंस के नेताओं को सोचना होगा कि आखिर वो बार बार जो बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से आ सकते हैं, उसका आधार क्या है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़ पटना।